तक पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है जी। आपका आपका कहना बिल्कुल सही है, मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है, क्योंकि उसका जो बड़ा एजेंडा है, जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है, उसके लिए हिमायत अब उसने इस नौीयत की बिल्ड कर ली है कि उसके कम होने का इम्कान बहुत कम है। चीन के साथ अब उनको ये देखना है कि चीन के साथ जो रिश्ता है उस और जिसमें बिगाड़ आया है, उस बिगाड़ की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कितने बढ़ाने हैं या किस हद तक कोशिश करनी है कि एक आज़ाद पॉलिसी भी हिंदुस्तान रख सके। इस वक्त उनको ये फिक्र है कि हमारी दिफाई सलाहियतें जो है वो बढ़ें, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने राफेल पे खास जोर रखा है, S-400 जो रूस से खरीद रहे हैं उस पे जोर रखा है, और ये जोर रखा है अमेरिका पे कि हम S-400 खरीद रहे हैं, ये हमारी एंटी मिसाइल डिफेंस होगी। तो मोदी अपनी गेम्स खेल रहा है, और उस गेम में पहली चीज ये है कि अंदरूनी सूरत हाल को कंट्रोल कर सके, और हम अभी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडा पे तुले हुए हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें अभी जो बातचीत हो रही है उससे महसूस तो ये होता है कि अब उन्होंने जो अग्रीमेंट की है कि डी एस्केलेशन होगी, कुछ जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएंगी, कुछ जो टेंट्स वगैरह लगे हैं वो वापस जाएंगे, और एक न्यूट्रल सा जोन बनेगा। मुझे लगता है कि वो इस तरफ चलने के लिए तैयार हैं, और चीन इसके लिए तैयार है। वो कहता है कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोलेबल है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमें किसी तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, हम बातचीत के साथ हमारी मिलिट्री मैकेनिज्म्स भी हैं, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म भी हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स भी हैं, उनके साथ हम इनको सेटल करेंगे। ये समझता हूँ कि ये टाइम इज बाइंग टाइम, और लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अगर वो टाइम भी बाई कर लेता है, और अगर ये नवंबर में इंतखाबात अमेरिका के हो जाते हैं, तो अमेरिका में अगर जो नई हुकूमत आती है और वो इनके कहने पर चलती है पूरा का पूरा है जो आप पेंटागन के, तो जो जो बाइडन आएगा वो तो साथ देगा, और वो फिर वो जो जो जो, जो पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे पेंटागन वो उसी पर जाएंगे, और वो फिर चीन का इंडिया का मुकम्मल साथ दे सकते हैं, ये इम्कान हैं। देखिए, जो कुछ मोदी कर रहा है उसमें उसको पूरी शय है अमेरिका की तरफ से, ठीक हो गया, और जी बिल्कुल पूरी शय है, उसकी मर्जी के बगैर ये ना करता। अभी पर्दे के पीछे बल्कि पर्दे के ऊपर जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका मोदी की हिमायत कर रहा है, और चीन को इस बात का इदराक है, और चीन को पहले दिन से पता था, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया है वो अमेरिका की जो एशियन पिवट का जो जितना सारा दायरा बनाया हुआ है, जो क्वाड बनाया हुआ है, जो एंटी चाइना एक काउंटर फोर्स तैयार की हुई अमेरिका ने, तो इंडिया तो उसका कलीदी किरदार है। तो इस वजह से ना चीन से कोई बात खुफिया है, और ना ही मैं समझता हूँ अमेरिका कोई इसमें आर समझता है जो कुछ वो मोदी की सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ मसला जो है वो हमारी तरफ से है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए, मोदी का तो हर एक को पता है कि वो शतरंज की चाल चलने का माहर है, चाणक्य का शागिर्द है, और माहर है चाले चलने में, शय करता है, माप देता है। बदकिस्मती ये है कि उसका जवाब देने के लिए ना पुरानी क्यादत थी और ना आज की क्यादत है। जो जवाब आना चाहिए, मैं देखता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी तरफ से मुकम्मल सकूत है, खामोशी है। तो भाई ये तो आपका आपका और चाइना का अंडरस्टैंडिंग है ना जी। देखिए, ये मैं नहीं समझता अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त भी 62 में भी यही बात थी। अगर ये आप कह रहे हैं चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया को तो नहीं पता। तो ये है कि हमें और यकीनन मैं भी ये समझता हूँ कि हम पूरी तरह चाइना के साथ रابطے में हैं, लेकिन बात ये है कि इस सारी जो कोऑर्डिनेशन है या समझ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है उसको प्रोजेक्ट करने का भी एक तरीका। हाँ, ये ठीक बात है। तो अब इसके बाद में मैं नजमुद्दीन शेख साहब की तरफ मैं आना चाहता हूँ। शेख साहब, ये फरमाइए कि जो अब इसमें इंडिया ने अब इस कदर ज़्यादा अपाची हेलीकॉप्टर, चिनोक
जो टैंक और वो जो बहुत बड़ा जो इनके वो होता है जो ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं वो लेह में पहुँचा दिए हैं, और फिर सुखोई है, 30 MI-21 है, 29 है, मिराज है, 2000 जगवार तैयारा है, फिर ये सब जगह पहुँचा दिए हैं। शायद सही ये है कि उन्होंने जो सरजमीन पे सूरत हाल थी और जिस पे हिंदुस्तान ने कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश की थी, उस कोशिश को उन्होंने रोक दिया है। अब जहाँ तक दूसरा सवाल है कि हमारा और हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ और जो CPEC के साथ कनेक्टेड चीज़ें हैं, उसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। अवलन के चीन ने हिंदुस्तान से कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि CPEC के और रास्ते बनाए जाएं, क्योंकि चीनियों के दिमाग में तो ये था कि CPEC जो है वो इस सारे खित्ते को काम आएगी, न सिर्फ। अभी ये दिमाग में यही है। जी हाँ, तो अब उसको अगर करना है तो उनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तान भी इसमें शामिल होगा, और उन्होंने कहा, चीनी सफीर ने हिंदुस्तान में कहा, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया था, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हम एक और रास्ता बना सकते हैं जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जरिए नीचे आएगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि हमारा जो माहदा था चीन के साथ टेरिटोरियल बाउंड्रीज के सिलसिले में, उसमें एक आर्टिकल 6 है, जिस आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि ये अग्रीमेंट हमारी जो है ये अग्रीमेंट रहेगी अगर कश्मीर का मसला हल होते में ये इलाका पाकिस्तान को मिलता है, अगर ये पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो फिर इसको हम रीनिगोशिएट करेंगे।